हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल। माय नेम इज़ मनोरमा। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ में मतलब एक ऐसा जॉब शेयर करी हूँ जहाँ पर यहाँ पर लिखा तो नहीं है कि आप मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो, बट आई एम श्योर कि ये काम आप मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो। एक पार्ट टाइम जॉब है जहाँ पर आपको कुछ बोलना नहीं है, ओके ना ही कोई वीडियोस बनाने हैं। मतलब कल का जो जॉब शेयर किया था वहाँ पर लोगों का कहना था कि मैम इतने वीडियोस कैसे बनाए, तो आज एक ऐसा जॉब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ जहाँ पर आपको जो स्टूडेंट्स के आंसर्स होते हैं ना उसका कुछ चैट के बेस में देना है, एक रिप्लाई जो होता है ना वो थ्रू द मोबाइल देना है। अब यहाँ पर मोबाइल के नहीं कह सकते मैं, अगर आपका लैपटॉप और कंप्यूटर है तो दैट्स वेल एंड गुड, बट आप ये जो काम है वो मोबाइल के थ्रू में भी कर सकते हो। एक्चुअल में इन लोगों ने कहा है कि हम कहीं पुश नहीं करते हैं या रिकमेंड नहीं करते हैं ट्यूटर्स को कि आप जो चैटिंग होती है वो मोबाइल के थ्रू में करो, बट यू कैन डू इट, ओके। और ये जो जॉब है ना वो पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो। मैं जिस प्रोफाइल की बात कर रही हूँ, जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, उसका नाम है कोर्सेरो। यहाँ पर अर्निंग्स जो होते हैं ना गाइज वो डॉलर में होती है और काफ़ी जेन्यून ऐसी साइट है गाइज। यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस 101% है अगर आपका बस और बस आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो अगर स्ट्रांग है ना तो डेफिनेटली आप इसके लिए इलिजिबल हो। देखो, आपको ये नॉन वॉइस का प्रोफाइल है, आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको कोई वीडियो नहीं करना है, जो कोई भी मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर एक एजुकेशनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके जो क्वेरीज होते हैं ना वो यहाँ पर पोस्ट करते हैं, और आपको क्या करना होता है एज अ ट्यूटर एज अ एक्सपर्ट, आप उनके जो कोई भी क्वेश्चन होते हैं ना उसको आपको सॉर्ट करना है, सॉल्व करना है, और ये चैट के बेस। मतलब अगर सामने वाले ने कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे तो चैट के बेसिस में दे दोगे, ठीक है। तो इस तरह का इसका आंसर आपको देना है, टेक्स्ट बेस्ड ट्यूटोरिंग कह सकते हो आप इसको। और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, आप आपके हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हो। और एजुकेशनल, अभी यहाँ पर मतलब अगर आप 12th पास भी हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ओके। बस आपके पास में सब्जेक्ट का नॉलेज जो है ना वही बस एक स्ट्रांग चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए, और एक वैलिड आईडी मतलब खुद का प्रूफ करने के लिए आप वही पर्सन हो जो अप्लाई कर रहे हो वो दिखाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स, इतना ही चाहिए। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट्स कौन से अवेलेबल है, तो ए टू जेड सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। अकाउंटिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट है, सोशल साइंस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी लॉ डॉक्टर सारे फील्ड के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो लिंक जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। अब जैसे ही उस साइट पर चले जाते हो ना तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एक फॉर्म आपको मतलब आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपका ईमेल और आपका पासवर्ड यहाँ पर दे देना, ठीक है। और जैसे आप नेक्स्ट क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पर एक चार ही स्टेप्स है जो हमें करने हैं। फर्स्ट एक कि आपका अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा अकाउंट क्रिएशन का। सेकंड, आपको सब्जेक्ट चूज करने, आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आप 20 सब्जेक्ट चूज करते हो अगर आपके पास में उतने सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, बट आई रिकमेंड यू कि जिस सब्जेक्ट में आप प्रिफर्ड हो मतलब बेसिक ही 5-6 सब्जेक्ट चूज करना जहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज है उसमें आपको चूज कर लो। उसके बाद में अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है मतलब देना जरूरी है तो ही यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुलेगा कि आपको टेस्ट देनी है, असेसमेंट देनी है। अब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को असेसमेंट नहीं भी है तो आप वो भी कैंसिल करके डायरेक्टली नेक्स्ट चले जाओगे। और वहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपका फॉर्म फिलअप करना है जहाँ पर आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना गाइज वो आपको यहाँ पर दे देने हैं, जो कि आपका आईडी कार्ड हो गया, देन जो कुछ इन लोगों ने मांगा हुआ है आपके फोटोग्राफ वो सारा। डोंट वरी, आपके डेटा का ये कोई मिसयूज़ नहीं करते हैं, वैलिड है तो आप बिंदास दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में चौथा स्टेप होता है कि आपका जो अकाउंट है ना उसको रिव्यू करेंगे, और इनकेस अगर उनको लगता है कि ये बंदा अपने लिए सुटेबल है तो वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, मतलब वो रिव्यू कर लेंगे आपका प्रोफाइल और उसके बाद में आपको रिप्लाई करेंगे। अर्निंग यहाँ पर जो होती है ना गाइज वो आपके कितने क्वेश्चंस आप सॉर्ट आउट करते हो ना, सॉल्व करते हो ना, उसके बेसिस पर होगी। अभी किसी क्वेश्चन को आपको $1 मिलेगा, किसी क्वेश्चन का $0.5 मिलेगा, तो किसी किसी क्वेश्चन का $5 मिलेगा, ये किस पर तय होता है, तो जैसे उस क्वेश्चन का लेवल होता है ना उस क्वेश्चन के लेवल पर ही आपका अर्निंग यहाँ पर डिपेंड रहेगा। डोंट वरी, आपके हिसाब से आपको देना है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप दे सकते हो, आप कर सकते हो। आपको अगर सब्जेक्ट का नॉलेज स्ट्रांग है ना तो डेफिनेटली आप ये काम जरूर कर सकते हो, ओके। तो मिनिमम मान के चलो छोड़ो $1,000, एटलीस्ट $200-$300 भी मिल गए तो भी हमारा पार्ट टाइम में ये काम बहुत अच्छे से चल जाएगा, ओके। तो लिंक है, और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, आपको कभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पर, ओके। सो ट्राई जरूर कर लेना इस प्लेटफॉर्म को, ओके। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, विल गेट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।